Hello everyone, this side Ashish Tamori and welcome to my guitar tutorial. This is tutorial number 8. तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं गिटार कॉर्ड्स के बारे में जानना, ठीक है। तो इसमें मैं बेसिकली आपको क्या बताऊंगा, इसमें मैं डिस्कस करूंगा गिटार की डिफरेंट जो कॉर्ड्स हैं उनके बारे में, ठीक है। उनकी फ्रेट बोर्ड पे सही पोजीशन क्या है उसके बारे में, उन कॉर्ड्स को सही तरीके से पकड़ते कैसे हैं, ठीक है। उन कॉर्ड्स को फ्रेट बोर्ड पे अपनी फिंगर्स से सही तरीके से पकड़ते कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उन गिटार कॉर्ड्स की सही तरीके से प्रैक्टिस कैसे करते हैं, और भी कॉर्ड से रिलेटेड जितनी बातें हैं उन सारी बातों के बारे में धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे इन ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं सिंपल सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। ये सबसे सिंपल और बेसिक कॉर्ड है, ठीक है, ठीक है। ये सबसे सिंपल कॉर्ड है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब फ्रेट बोर्ड की तरफ देखते हैं, फ्रेट बोर्ड को देखिए, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेकंड स्ट्रिंग को देखिए, सेकंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट कौन सा, ये वाला, दिस इज माय सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है, एंड दिस इज माय फर्स्ट फ्रेट, ठीक है। तो सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस करना है, ठीक है, किससे, अपनी इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट फ्रेट पे, ये, ठीक है। और पीछे क्या आना चाहिए, आपका अंगूठा आना चाहिए, आपका थंब आना चाहिए, किसके लिए, सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो आपको प्रेस करना है, ठीक है, और प्रेस करना है, ठीक है। तो ये जो शेप है ये है मेरी सिंपल सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। अब इसमें कितनी स्ट्रिंग्स प्ले होंगी, इसमें सिर्फ प्ले होंगी 3 स्ट्रिंग्स, कौन सी, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज माय सिंपल सी मेजर कॉर्ड। तो आप इस नोट को प्रेस कीजिए अपनी इंडेक्स फिंगर से, और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग को प्ले कीजिए, साउंड क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग को, साउंड क्लियर है, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग को, तीनों स्ट्रिंग का साउंड कैसे आ रहा है, एकदम क्लियर, मतलब आपने कॉर्ड को सही तरीके से पकड़ा है। कभी कभी क्या होता है, आप इस नोट को इंडेक्स फिंगर से पकड़ रहे हैं बट आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है ये फर्स्ट स्ट्रिंग से भी टच होती है, जिसकी वजह से फर्स्ट स्ट्रिंग म्यूट हो जाती है, जैसे ऐसे, जैसे कुछ इस तरीके से फर्स्ट स्ट्रिंग क्या हो गई, म्यूट हो गई, सेकंड स्ट्रिंग प्ले हो रही है, थर्ड स्ट्रिंग भी प्ले हो रही है। तो आपको चेक करना है कि आपने जिस नोट को प्रेस किया हुआ है, जिस कॉर्ड को पकड़ा हुआ है, उसकी वजह से कोई नोट या कोई स्ट्रिंग म्यूट तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसे पकड़ेंगे, इस कॉर्ड को, उसके बाद चेक करेंगे कि कॉर्ड मैंने सही पकड़ी है या नहीं, कोई दूसरी स्ट्रिंग इसके अलावा म्यूट तो नहीं हो रही। तो चेक करने के लिए इस कॉर्ड में सिर्फ ये तीन स्ट्रिंग यूज होंगी, तो इन 3 स्ट्रिंग्स को चेक करना है, एक एक करके करते हैं। साउंड क्लियर है, ये भी क्लियर है, इसका मतलब आपने कॉर्ड सही तरीके से पकड़ी हुई है, ठीक है। और स्ट्रमिंग कैसे करनी है, पिक को थोड़ा सा बेंड करके, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हल्का सा बेंड करके, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे करके, परपेंडिकुलर नहीं, हल्का सा, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं, हल्का सा बेंड करके, और तीनों को साइमल्टेनियसली प्ले करना है, ठीक है। सिर्फ
तीन स्ट्रिंग्स प्ले होंगी इसमें, कितनी, सिर्फ तीन। दिस इज सिंपल सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। तो आज इस ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे सिंपल जी मेजर कॉर्ड के बारे में, ठीक है। बाय बाय।